जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच हासिब हुसैन जो साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर कुछ सवाल थे, आजकल जो बलूचिस्तान की खबरें गर्दिश में कर रही हैं, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप इस सिलसिले में आपका क्या स्टैंड है, आप क्या कहते हैं? देखिए जी, जहां तक मेरा स्टैंड है, ये मेरा स्टैंड नहीं होता है, मेरी पॉलिटिकल पार्टी है उसका स्टैंड है कि वी आर वर्किंग हियर फॉर द नेशनल राइट्स विद द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो अहम बात यहां पे जो बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है वो रेजोल्यूशन है जो कांग्रेस में पुट हुआ है। अब आप वहां पे बैठी है, यू कैन जज बेटर देन एनीवन कि उसकी क्या पोजीशन होगी, मगर यह है कि दो चीजें जो मैं महसूस कर रहा हूं, जो यहां पे बड़ा हाइप क्रिएट हो रहा है दो साइड पे, एक वो जो कहते हैं कि जी हम बड़े पाकिस्तानी हैं और आई विल कॉल देम राइटिस्ट फोर्सेस, वो ये है कि जी ये कांग्रेसमैन ने जो मूव किया है ये बड़ा साजिश है और पाकिस्तान को छोड़ देंगे और अमेरिकन गवर्नमेंट इसमें शामिल है, इसमें स्टेट डिपार्टमेंट शामिल है, इसमें सारा अमेरिका इन्वॉल्व है। अब दूसरी तरफ यहां पे जो इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, दे आर वेलकमिंग इट कि जी ये बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है कि अब अमेरिका ने बलूचों का साथ देने का फैसला किया है, नाउ अमेरिका इज गोइंग टू डिसइंटीग्रेट पाकिस्तान, अब पाकिस्तान बचेगा नहीं, हम बलूच आजाद होंगे। मगर फेयरली मेरी राय ये है कि इस किस्म का कुछ भी इस रीजन में नहीं होने जा रहा है। इस रीजन में इस वक्त डिसइंटीग्रेशन की कोई सिचुएशन में नजर नहीं आ रही है। मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है के पेंटागन और आपका जो GHQ है ना, दे आर नाउ ऑन सेम पेज। आपकी जो दोनों इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है CIA एंड ISI, दे आर नाउ मतलब जब वो सलाना से पहली वाली सूरत हाल थी उस वक्त तक पहुंच गए हैं। देर मस्ट बी सम डिफरेंसेस बिटवीन स्टेट डिपार्टमेंट एंड इस्लामाबाद। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये जो दोनों तरफ से चीख पुकार हो रही है, इसमें जो एस्टेब्लिश मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपने तमाम रिलेशंस बना लिए हैं। दे आर वेरी मच ओके नाउ। अल्टीमेटली ये करेंगे कि ये जो आपके कंटेनर्स का मामला है या सप्लाई का मामला है, ये पार्लियामेंट के गले में डालेंगे, उससे उसको पास करवाएंगे एंड नथिंग विल हैपन। जी अच्छा सर, यहाँ पर जो है वो यही इमेज है कि यहाँ पर उन्होंने जो क्लेरिफिकेशन दी है वो यही दी है कि कांग्रेस में कुछ भी डिस्कस हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अमेरिका की खारजा पॉलिसी का एक हिस्सा है। ऑन दी अदर हैंड, शाहजहान मुफ्ती साहब से जब बात हुई तो वो अमेरिका के इस अमल को खुशाइन करार देते हैं और वो इसको एक्सेप्ट करते हैं और वो कहते हैं कि जो यूथ है बलूचिस्तान की, उनके व्यूज जो है वो उनसे भी ज्यादा सख्त हैं और वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान जो है वो अब एक अलग हिस्सा बनके और फिर उसका सर्वाइवल मुमकिन है, अदरवाइज नहीं है। आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्योंकि आपकी पार्टी का मैंडेट तो बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे दो ओपिनियन है। एक ओपिनियन वही है जो बलूचिस्तान के यूथ का है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हैदर मरी, ही इज स्टेइंग इन लंदन, ब्राहिंदा बुक्ती, ही इज स्टेइंग इन जिनेवा। उनका स्टैंड यह है कि इस मुल्क का कोई मदावा नहीं हो सकता है, दिस कंट्री मस्ट बी डिसइंटीग्रेटेड और बलूचों को आजादी मिलनी चाहिए क्योंकि उनका कोई फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं है। अब वो सब ये समझ रहे हैं कि ये अमेरिका की इंडिकेशन है बलूचों को कि वी आर गोइंग टू डिसइंटीग्रेट पाकिस्तान एंड लिबरेट बलूचिस्तान, ये उनका ओपिनियन है। मेरी जाती राय यह है कि वी आर द पीपल, हम कहते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है एंड वी हैव मस्ट फाइट फॉर द राइट ऑफ द बलूच विद इन द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। मगर हकीकत में ये है कि अगर ये रेजोल्यूशन जो मैंने समझा है द लव इज कंकरंट, जिसके मानी है कि इट विल बी पुट इन बोथ हाउसेज इन कांग्रेस एंड सेनेट, दोनों से अप्रूव होने के बाद दिस विल बी द कंप्लीट रेजोल्यूशन। मगर उसके बाद भी इस रेजोल्यूशन इट्स नॉट अ लॉ, इट वुड बी द रेजोल्यूशन, मगर आई डोंट थिंक सो कि ये दोनों हाउस से पास होगा। और अगर इतनी बड़ी इंडिकेशन अमेरिका दे देता है कि ही इज गोइंग टू डिसइंटीग्रेट पाकिस्तान, डिसइंटीग्रेट अफगानिस्तान, डिसइंटीग्रेट
तेहरान, तो फिर इस रीजन को अमेरिका ने तकसीम करने का फैसला किया है, ये बहुत बड़ा फैसला होगा, इसका तो पूरे दुनिया पे असरात पड़ेंगे। आई डोंट थिंक सो कि इस वक्त ऐसा फैसला अमेरिका ने किया है, अगर किया है तो दिस इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट। अच्छा सर, आपकी मैक्सिमम और मिनिमम डिमांड्स क्या है पाकिस्तान के कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए क्या आप चाहते हैं बलोचियों के हक के लिए, जो आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट करे? हमारा बिल्कुल एक क्लियर और साफ एक डिमांड है कि बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में चार कौमें बसती हैं, ये चार कौमों का मुल्क है, इन चार कौमियतों को कौम तस्लीम किया जाए, इनके इलाकों में जो भी जराए हैं वो इन कौमों के हवाले किए जाए, हम लोग एज ए फेडरेशन यहां रहे। ठीक, तो सर आपका कोई डिमांड जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है हुकूमत से, आप क्या क्या आप मुतमईन हैं जो इस वक्त बलूचिस्तान जिस स्ट्रगल में है? इमीडिएट हमारा डिमांड हुकूमत पाकिस्तान से और खास करके उसके जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है कि वो बलूचिस्तान में जिस तरह लोगों को उठा के फेंक रहे हैं, ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, बुलेट रेडेड बॉडीज फेंक रहे हैं, मिसिंग पर्सन का प्रॉब्लम है, लोगों को बगैर वजह बताए उठा रहे हैं और उनको सालों के साल वो अपने कैदियों में रख रहे हैं और उनकी लाशें फेंक रहे हैं, दिस मस्ट बी स्टॉप्ड। जो ये कर रहे हैं उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और दे मस्ट बी इन द ट्रायल इन द कोर्ट। ठीक सर, दयान साहब जो है वो इस मामले में बहुत एक्टिव हैं, उनसे आपकी कोई बातचीत हुई है या उन्होंने कोई पेशरफ की है इस मामले में? किससे? दयान जो अली हसन दयान जो है, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और जो उस खत्ते में बहुत काम करते हैं, आपका उनसे कोई? दानियान की बात कर रहे हैं? जी जी, यू आर टॉकिंग अबाउट अली दानियान? जी जी जी, Ali Danyan is my good friend. I know Ali Danyan and we have worked on this paper before he presented it in Pakistan. Usne Pakistan mein ye jo report aapko wahan pesh hui usse pehle he presented it in Islamabad. I know Ali Danyan. We were been in many conferences. Mm-hmm. I know him and he is a very nice guy and he is a very fair man. Theek. ठीक, तो आप मुतमईन हैं कि जो उन्होंने उठाया है मुद्दा, आप समझते हैं उसका कोई ना कोई हल निकलेगा? मैं समझता हूँ कि उस इस जो पहली रिपोर्ट थी उसमें अगर कोई बेहतर रिपोर्ट थी, जो खूबसूरत रिपोर्ट थी, जिसको आप बिल्कुल क्राइटेरिया पे पाते, वो अली दानियान की थी। ठीक ठीक, अच्छा आखिरी सवाल बजेंद्र साहब के, अकलियतें जो हैं, ये मुझे स्पेशली क्वेश्चन मेरा एक मेरे कॉलर ने बताया है कि अकलियतें जो डेरा भुक्ती में हैं, इस सारी मूवमेंट में उनका क्या रोल है इस वक्त? देखिए, डेरा भुक्ती में इस वक्त कोई सिविल हुकूमत नहीं है, वहां पे फौज बैठी हुई है या फौज के टाउट बैठे हुए हैं, वहां हर आने जाने वाले पे चेक है, आने वाला अपना नाम लिखवाता है, जाने वाला अपना नाम लिखवाता है, वहाँ किसी ह्यूमन राइट्स की कोई गुंजाइश नहीं। ठीक ठीक, लेकिन वहाँ पर जो ऑलरेडी लोग सेटल्ड हैं, जो अकलियतें एग्जिस्ट कर रही हैं बलूचिस्तान में, क्या वो भी इस मूवमेंट का हिस्सा हैं? फॉर माय इंफॉर्मेशन 90% ऑफ देम हैव माइग्रेटेड सिंध एंड बलूचिस्तान, और वहाँ पे बिल्कुल ऐसे लोग हैं जो देवर विद नवाब अकबर भुक्ती, क्योंकि ब्राहिंदा चला गया है, दे हैव गॉन विद ब्राहिंदा, उसमें अकलियत के लोग भी हैं, और इट्स ना कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि सदियों से उसके साथ रह रहे हैं, उसके ग्रैंडफादर को जो है उनने मर्डर किया हुआ है, तो सम पीपल मस्ट बी विद देम। ओके, अच्छा बजेंद्र साहब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, अगर खुदा न खास्ता मूवमेंट चलती है बलूचिस्तान को अलग करने की, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी उस सिलसिले में? देखिए, मूवमेंट तो चल रही है जी, लेकिन अगर ये चीज और सीरियस होती है और ऑन पेपर आती है और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे अगर पहुंच जाते हैं, तो हुज साइड आर यू ऑन? देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करूं कि हम इस रीजन को डिसइंटीग्रेट या क्योस में नहीं चाहते, अगर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल फोर्सेस के झगड़े में अगर ये सारा सिस्टम कलप्स कर जाता है, तो एक उर्दू का एक खूबसूरत लफ्ज है कि जब ये मामला होगा
तो फिर मैं अपने वतन के साथ रहूंगा, मैं किसी दूसरे के साथ नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया भजन जो साहब से बात करने के लिए, थैंक यू वेरी मच।